अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश अकेडमी टॉप वन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पोएट्री पोएम बाय विलियम वाल्टर जॉन डी लामियर। इसमें हम उसकी समरी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, थीम और पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे पोएम की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश अकेडमी टॉप वन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पोएट्री पोएम बाय विलियम वाल्टर जॉन डी लामियर। इसमें हम उसकी समरी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, थीम और पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे पोएम की। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं, वाल्टर लामियर के बारे में। वाल्टर जॉन डी लामियर जो हैं पैदा हुए थे 1873 में और 1956 में इनकी डेथ हो गई थी। ये इंग्लिश पोइट हैं और स्टोरी राइटर और नावलिस्ट भी हैं। इसके अलावा ये एक मॉडर्न पोइट हैं। रोमांटिक इमेजिनेशन इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है अपनी पोइट्री में। इनके जो ज़्यादातर वर्क्स हैं वो रोमांटिक थीम्स और फंटेसी पर मुश्तमिल हैं। डेथ, रियल स्टेटस ऑफ माइंड एंड इमोशंस भी इनकी जो वर्क्स में पाया जाता है। वाल्टर डी लामियर बचपन और तसव्वुराती दुनिया का शायर है। बचपन का ज़माना अगर कहें तो तसव्वुरात का ज़माना आपस में बाहम रब्त रखता है। पोइट का जो आपस का जो बचपन और तसव्वुरात का ज़माना है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है विद ईच अदर। जो पोइट का जो इस पोइम में माइंड है वो क्या है, रोमांटिक है और वो स्केपिसिज्म को भी ज़्यादातर इस पोइट्री में यूज़ करता है। इट मीन कि वो रियलिटी से दूर भागता है। इसके अलावा जो उसकी जो शायरी है वो ज़्यादातर वैसे भी रोमांटिक है और जो शायर है वो उसका जो जहनी रुझान रोमांटिक है। तमाम जो उसकी रोमांटिक पोइट्री माने वो एक तसव्वुराती और ख्वाहिश पर मबनी दुनिया में राह फरार अख्तियार करता है और इंसान की अज़ली ख्वाहिश रही है कि वो अपने आप को ताकतवर ज़बरदस्त इंसान के रूप में देखना चाहता है। ताकत हासिल करने के लिए जायज़ और नाजायज़ ज़रा इस्तेमाल करता है। शायर लोग एहसास होते हैं इनके पास दुनिया में ताकत हासिल करने के लिए ना ज़राए होते हैं और ना ही हुनर। वो सिर्फ तसव्वुरात में अपने आप को ताकतवर समझते हैं। अगर पोइम की शॉर्ट समरी को देखें तो इस नज़र में जो शायर है एक तख्लीकाती सरजमीन टार्टरी के मतलब हमें बहुत सहरंगेज़ और दिलचस्प बातें बताता है। टार्टरी एक नहायत हसीन, जरखेज़ और सरसब्ज ज़मीन है। शायर तसव्वुर करता है कि वो इस सरजमीन का बादशाह है। बादशाह की हैसियत से वो इस सरजमीन की लज्जतों और लताफतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है। वो इस सरजमीन का बादशाह बनकर बिला शरीक हुक्मरानी करना चाहता है। वो तसव्वुरात की दुनिया में खो जाता है और तसव्वुर करता है कि बादशाह की हैसियत से हाथी दांत से बने हुए बिस्तर पर सोएगा। उसके दरमियान में मोर अपनी खूबसूरती दिखाएंगे, रक्स करेंगे। इस सरजमीन के जंगलों में शेर और चीतों का आना जाना रहेगा। उसके तालाबों में मछलियां नहायत आज़ादी से तैरेंगी और इनके पर सूरज की रोशनी में चमकेंगे। शायर का ख्याल है कि उसके महल में लातदाद खमतगार होंगे, मतलब कि खिदमतगार होंगे उसके जो दरबार में। खुद एक अपनी तख्लीकात की जो दुनिया में वो रहता है और वो उसके बारे में सोचता है, उसकी देखभाल करेंगे। मौसीकारों का एक ताइफा बिगल बजाकर उसके खाने का ऐलान करेगा। उसके घर के सहन में गाने बजाने की गूंजें आती रहेंगी। शाम होने पर उसके महल में ऐसे चिराग रोशन होंगे जिनकी रोशनी शहद की मानिंद जर्द होगी और शराब की मानिंद सुर्ख होगी। शायर कहता है कि अगर वो टार्टरी का बादशाह होता तो नहायत शानदार लिबास देखता, उस लिबास पर कीमती मोती और जवाहरात भी जुड़े होते।
वो सुबह सवेरे उठकर उस लिबास को जेब तन करता और खंजर को अपनी पेटी के साथ बांध लेता। सुबह के इस तारे के मदम होने से पहले वो जंगल की रोशन रास्तों पर अपनी बग्घी जिसे सात जेबरे खींच रहे होंगे पर चलेगा। और टार्टल की सरजमीन यकीनी तौर पर नहायत खूबसूरत और सहरंगेज होगी। इस सरजमीन की खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ और दरिया, जंगल और घनी झाड़ियाँ इसके तस्वुर में होंगी। वो इनकी खूबसूरती से लुत्फानंदोज होगा। इस सरजमीन में फलों के दरख्त होंगे, मुअत्तर हवाएँ चलेंगी, चकोतरे के दरख्तों पर या माल्टे के दरख्तों पर परिंदे बैठे होंगे और वह गीत गा रहे होंगे। ये तो थी शॉर्ट समरी इस पोइम की। चलिए आगे इसकी लाइन बाय लाइन हम ट्रांसलेशन करते हैं। स्टैंजा वन को देखते हैं। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, माई सेल्फ एंड मी अलोन, काश में तस्वुराती सरजमीन टार्टरी का बादशाह होता, माई बेड should my bed should be of ivory, जो मेरा बिस्तर है, काश कि मेरा बिस्तर हाथी दांत का होता है, of beaten gold my throne, और तख्त बारीक कूटे हुए सोने की तारों का होता, and in my court should peacock flaunt, और मेरे दरबार में मोर नाचते, और मेरी एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर हॉन्ट, और मेरी सल्तनत के जंगलों में शेर घूमते रहते, एंड इन माई बोल्स ग्रेट फिशेस स्लैंट, मेरी सरजमीन के तालाबों में मछलियाँ थरकती हुई तैरती, देयर फिन्स एथवर्ड द सन, जिनके पर स्वेत धूप में चमकते। If I were Lord of Tartary, trumpeters every day to every meal would summon me. अगर मैं तार्तरी का बादशाह होता तो साजिंदे मुझे मौसीकी की खुशनुमा धुनें सुनाकर खाने की दावत देते, यानी नकारे बजाकर मुझे खाना खाने की दावत से आगाह किया जाता। And in my courtyard break and in the evening lamps would shine, और शाम के वक्त जो है वो जो शाम को लैंप जो हैं वो रोशन होते, येलो एज हनी रेड एज वाइन, और शराब की मानत सुर्ख लैंप रोशन होते और शहद की मानत जर्द होते, वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैडोलिन और जबकि सारंगियाँ बांसुरियाँ और चकारे मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे, प्यारी और मुसरत अंगेज मौसीकी जो है पैदा करते। इफ आई वेर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, आई हैड वेयर अ रोप ऑफ थ्रीड्स, अगर मैं तात्री का हुक्मरान होता तो मैं मोतियों से भरा शहाना लिबास पहनता, वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे हैड बी, उस पर सफेद जर्द और सब्ज रंग के मोती, एंड क्लस्टर थिक एज सीड्स, बीजों की मानित झुरमट बने होते, वाइट गोल्ड एंड ग्रीन, एंड ईयर वेन द मॉर्निंग स्टार, सुबह के सितारों की मदम होने से पहले, आई हैड डन माई रोब एंड शिमिटर, सुबह के सितारों के मदम होने से पहले मैं अपना लिबास पहन लेता, खंजर से मसल्ला होता या खंजर को अपने बेल्ट में बांध लेता, एंड ज़ेब्रास सेमन शुड ड्रा माई कार, और सात जेबरे मेरी सवारी को
टार ट्रीज डार्क ग्लेड्स, जंगल के रोशन रास्तों पर चलाते हुए ले जाते। लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टार्ट्री, अगर मैं टार्ट्री के सरजमीन पर फलों का बादशाह होता, हर रिवर सिल्वर पेल, उसके दरियाओं का पानी धुली हुई चांदी की मानिंद होता। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टार्ट्री, अगर मैं टार्ट्री के पहाड़ों का बादशाह होता, क्लेन थिक वुड एंड डेल, तो मैं टार्ट्री की सरजमीन का हुक्मरान होता, जिसमें सब वादियाँ, घनी झाड़ियाँ, जंगल और वादियाँ पाई जाती हैं। हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, वहाँ पर चमकते हुए सितारे, सेंटेड ब्रीज, मुअत्तर हवाएं, लहराती झीलें, जो हर ट्रेवलिंग लेक लाइक फॉर्मलेस सीज, जो बगैर झाग के समंदरों की मानिंद होंगी। हर बर्ड्स डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज इन एवरी पर्पल वेल, और वहाँ पर अरगवानी वादियों में परिंदे लीमू के दरख्तों पर बैठे होंगे।